हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी आईसीएसई क्लास 9 एंड 10। बच्चों आज का सेशन हम लोग का प्रैक्टिस सेशन है। सो इसमें कुछ हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इफ एक्स इज इक्वल टू रूट फाइव माइनस टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग को एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे एक्स जो दिया है हम लोगों को रूट फाइव माइनस टू। ठीक है, तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना है यहाँ पे वन अपॉन एक्स, राइट। सो वन अपॉन एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे वन अपॉन रूट फाइव माइनस टू और फिर हम लोग न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मतलब रूट फाइव माइनस टू का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा रूट फाइव प्लस टू और यहाँ भी होगा रूट फाइव प्लस टू। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, और रूट फाइव माइनस टू का रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होता है वो होता है रूट फाइव प्लस टू। ठीक है, उससे हम लोग न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ मिलेगा रूट फाइव प्लस टू और उसके बाद जो डिनोमिनेटर हम लोग का तो वो क्या है, रूट फाइव माइनस टू और रूट फाइव प्लस टू जो कि ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में है। सो फॉर्मूला हम लोग को पता है, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर मतलब रूट फाइव का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे लिखो रूट फाइव प्लस टू और नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा फाइव, यहाँ हो जाएगा फोर। सो रूट फाइव प्लस टू इज द आंसर। सो वन बाई एक्स का वैल्यू कितना आया, रूट फाइव प्लस टू आया, एक्स दिया हुआ है रूट फाइव माइनस टू, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट फाइव माइनस टू प्लस रूट फाइव प्लस टू। यहाँ से माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा हम लोग का, बचेगा टू रूट फाइव। सो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन वन करेक्ट है हम लोग का, यहाँ पे टू रूट फाइव इज द आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस रूट टू देन एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर निकालना है इस बार। ठीक है, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग को स्क्वायर निकालना है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को निकालेंगे पहले फिर उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। सो राइट हियर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस रूट टू, सो वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस रूट टू। ठीक है बच्चों, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ठीक है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वन माइनस रूट टू। ठीक है, सो राइट हियर वन माइनस रूट टू और वन माइनस रूट टू। ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर को हम लोग न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर जो भी होता है उसको हम न्यूमरेटर के साथ में और डिनोमिनेटर के साथ में दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा हम लोग का, यहाँ पे वन माइनस रूट टू आएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ गया हम लोग का ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म आया मतलब वन स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, तो दिस इज वन माइनस रूट टू और यहाँ पे आएगा वन माइनस टू। ठीक है, दिस इज वन माइनस रूट टू और फिर यहाँ पे आएगा माइनस वन। अब क्योंकि नीचे में माइनस वन चला आया, अगर हम लोग यहाँ पे रूट टू प्लस वन करते तो ये माइनस नहीं आता, अगर हम लोग यहाँ पे रूट टू प्लस वन करते क्योंकि प्लस था ना बीच में, हम लोग चेंज कर सकते थे, अगर रूट टू प्लस वन करते तो माइनस नहीं आता, लेकिन अगर माइनस आ गया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको रिवर्स कर सकते हैं, मतलब वन माइनस रूट टू को लिख सकते हैं रूट टू माइनस वन। ठीक है, सो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, वन का एक्स वन बाई एक्स का वैल्यू उन्होंने निकाल लिया है, अब क्या करना है हम लोग को, ऐड करना है दोनों को एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और फिर इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो इसको ऐड करो वन प्लस रूट टू प्लस रूट टू माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और फिर हम लोग का बचेगा टू रूट टू का स्क्वायर और ये हम लोग का होता है एट। ठीक है, सो एट इज़ द आंसर, सो ऑप्शन टू इज़ करेक्ट। ठीक है बच्चों, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थ्री। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा एक एक्सप्रेशन दिया है, उसको हम लोग कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान है बच्चों। यहाँ पे देखो क्या करना है, टू दिया हुआ है और रूट के अंदर दिया है 27, तो रूट के अंदर 27 अगर दिया है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं थ्री इंटू नाइन। ठीक है, थ्री इंटू नाइन प्लस यहाँ पे थ्री, यहाँ 12 दिया है तो 12 को हम लिख सकते हैं थ्री इंटू फोर। ठीक है, अपॉन फोर रूट थ्री। अब बच्चों यहाँ पे 9 जो है रूट के अंदर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है और यहाँ पे 4 जो है वो भी रूट के अंदर है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ से इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे। तो 9 को बाहर निकालेंगे रूट से तो क्या बन के आएगा, वो 3 बन के आएगा, सो 3 टू जै 6, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 6 रूट 3 हो जाएगा प्लस, अगर 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 बन के बाहर आएगा, सो
तो 3 2 6 होता है, यहाँ पे 6√3 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4√3। सो दिस इज 12√3 अपॉन 4√3, ठीक है। सो यहाँ से 4 3 12 होता है, √3 √3 कैंसिल हो जाएगा, सो द आंसर इज 3। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों हम लोग का, यहाँ पे √5 - √3 का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो हम लोग को पता, फेलो हम लोग को फॉर्मूला पता है एग्जैक्टली, a - b होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² - 2ab + b². सो इसका यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे √5² + √3² माइनस है यहाँ पे 2√5 and √3, ठीक है। सो दिस इज 5 + 3 - 2√15, सो दिस इज 8 - 2√15, 8 - 2√15 हम लोग का आंसर होगा, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चन लोग यहाँ किए हैं यहाँ पे आप लोग को समझ में आया होगा, अब लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/4 + √7 = what, ठीक है। मतलब इसको हम लोग को रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में क्या इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग सिंपली इसको लिखेंगे 3/4 + √7, ठीक है। अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 4 + √7 का, वो होगा 4 - √7, ठीक है। तो 4 - √7 से हम लोग 4 - √7 से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो 4 - √7 ऊपर में लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और 4 - √7 नीचे में भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो दिस बिकम्स 3/4 - √7 और नीचे में फिर क्या हुआ, a + b और a - b का फॉर्म आ गया। सो हम लोग यहाँ करेंगे 4² - √7 का² सो दिस इज 3/4 - √7 और यहाँ पे हो जाएगा 16 - 7, सो दिस इज 3/4, यहाँ हो जाएगा 9 एंड दिस इज 4 - √7, सो दिस इज 1/3, ठीक है। तो कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पे, 1/3 आ रहा है, 1/3 4 - √7, सो 1/3 4 - √7 इज द आंसर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया हुआ x = √2 - 1 एंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x का होल स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। सो वैसे ही करेंगे, रैशनलाइज ही करना है हम लोगों को, तो x का वैल्यू दिया हुआ है √2 - 1, सो 1/x निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पहले, ठीक है। तो 1/x क्या हो जाएगा, √2 - 1 यहाँ लिखो, और इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √2 - 1 है तो √2 + 1 हो जाएगा, सो राइट हियर √2 + 1 एंड अगेन √2 + 1, सो ये a - b a + b के फॉर्म में आ गया हम लोग का डिनोमिनेटर, सो यहाँ पे हो जाएगा √2 + 1 अपॉन ये हो जाएगा √2² - 1² सो दिस इज √2 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, √2 + 1 आया, सो x - 1/x² होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज √2 - 1 एंड प्लस सॉरी माइनस √2, अभी यहाँ पे माइनस है बीच में क्योंकि यहाँ पे √2 + 1 है, सो -√2 - 1 हो जाएगा, यहाँ -√2 और -1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर निकालना है हम लोगों को, तो यहाँ से √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और क्या बचेगा -2² एंड दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है 4, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। -2 पे अगर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, -2 पे अगर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 2 का 4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बच्चों यहाँ पे, अब यहाँ जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली, यहाँ 2 टर्म दिया हुआ है, ठीक है। अभी तक हम लोग सिंगल टर्म के बारे में पढ़ रहे थे, क्वेश्चन बना रहे थे उस पर, यहाँ पे 2 टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने पास को करने का 2 तरीका है, या फिर तो हम लोग दोनों को रैशनलाइज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर हम लोग सिंपली इसका एलसीएम लेके कर लेंगे, दोनों तरीके से हम लोग उसको बनाते हैं, ठीक है। मेथड 1 देखते हैं पहले, मेथड 1 जहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दोनों को रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो 5 - √7 और यहाँ पे 5 + √7, इसको रैशनलाइज करेंगे। अब देखो डिनोमिनेटर से अपने को मतलब है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसी को रैशनलाइज किया जाता है। तो 5 + √7 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 5 + √7 का होगा 5 - √7, सो हम लोग न्यूमरेटर में 5 - √7 जो कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है किसका, 5 + √7 का, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में भी हम लोग 5 - √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये पहला हो गया हम लोगों का, दूसरा क्या होगा बच्चों, 5 + √7
अपॉन 5 माइनस रूट 7। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 5 माइनस रूट 7 है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 प्लस रूट 7। सो हम लोग न्यूमरेटर में 5 प्लस रूट 7 और डिनोमिनेटर में भी 5 प्लस रूट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये न्यूमरेटर में क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर 5 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और नीचे में a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म है। सो यहाँ पे हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर माइनस अगेन यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म है अगेन, सो 5 स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे हम लोग इसको अगर सॉल्व कर दें, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है और a प्लस बी का होल स्क्वायर है, नीचे में तो सेम है, नीचे में सेम है, तो नीचे में डिनोमिनेटर में हम लोग मतलब एग्जैक्टली क्या लिखेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो क्योंकि दोनों सेम नंबर है तो हम लोग एक पार लिखेंगे उसको यहाँ पे, दिस इज 25 माइनस 7, ठीक है, दिस इज 25 माइनस 7 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 7 माइनस 10 रूट 7, ठीक है पहला। द नेक्स्ट वन इज 25 प्लस 7 प्लस 10 रूट 7, ठीक है, इसको ब्रेक करके यहाँ लिखें, इसको ब्रेक करके यहाँ लिखें, और क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम लेंगे तो इतना ही आएगा, 25 होगा और 7 होगा, ठीक है। सो दिस इज 32 माइनस 10 रूट 7 माइनस 32 माइनस 10 रूट 7, राइट, अपॉन 18, ठीक है। तो यहाँ से 32 एंड माइनस 32 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ का बचेगा -20 रूट 7 अपॉन 18, सो दिस इज -10 रूट 7 अपॉन 9 इज द आंसर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दिस इज मेथड वन, ठीक है, ये क्या है हम लोग का मेथड वन है। नाउ मेथड टू क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे मेथड टू में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, सो 5 माइनस रूट 7 एंड 5 प्लस रूट 7 एंड 5 माइनस रूट 7, राइट। नाउ यहाँ देखो 5 प्लस रूट 7 है, 5 प्लस रूट 7 है, तो 5 माइनस रूट 7 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो राइट हियर 5 माइनस रूट 7 का स्क्वायर एंड माइनस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 माइनस रूट 7 है, यहाँ 5 माइनस रूट 7 है, तो 5 प्लस रूट 7 जाके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 प्लस रूट 7 का स्क्वायर। नाउ इसको सॉल्व करना है हम लोगों को बस, सो राइट हियर 25 प्लस 7 माइनस 10 रूट 7, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये, अभी हम लोग किए मेथड वन में, ठीक है, एंड माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 प्लस 7 प्लस 10 रूट 7, राइट, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 7, सो दिस इज 32 माइनस 10 रूट 7 एंड माइनस 32 माइनस 10 रूट 7 अपॉन 18, ठीक है, तो प्लस 32 एंड माइनस 32 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -20 रूट 7 अपॉन 18, सो दिस इज -10 रूट 7 अपॉन 9, दिस इज द आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा, दोनों तरीका आप लोगों को किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। ना बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। ना बच्चों ध्यान दो कि √2 और √3 क्या है। सो दोनों नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है, दिस बोथ नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। सो हम लोग को यहाँ पे दो इरेशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, तो क्या तरीका सीखे थे उसका हम लोग, तो देखो यहाँ पे तो हम लोग सिंपली यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है, क्या लिखेंगे 2 एंड 3, और ट्राई करेंगे इन दोनों नंबर के बीच में ऐसा नंबर ढूंढने का कि जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 2 और 3 के बीच में ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज द क्वेश्चन। सो पहला नंबर लिख सकते हैं हम लोग 2.25, ठीक है, मतलब बहुत सारा नंबर हो सकता है बट रैंडमली हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो पहला नंबर हम लिखे यहाँ पर 2.25, फिर लिखे 2.56 और 2.89, ठीक है, ये बहुत सारा नंबर है जो इन लोगों के बीच में है, ठीक है। अब जो ऑप्शन दिया उसी में से चुनना है हम लोगों को, तो बहुत सारा नंबर का तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे 2.25 जो है
एग्जैक्टली क्या है ये, ये 1.5 का स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये 1.7 का स्क्वायर हो जाएगा। सो अब यहाँ रूट लगा देंगे अगर हम लोग सब में, ठीक है, सो ये दोनों तो इरेशनल नंबर ही रहेगा, रूट टू एंड रूट थ्री, बट ये जो नंबर है 2.25 जो बाहर निकल जाएगा रूट से 1.5 हो जाएगा, 2.56 ये बाहर निकल जाएगा रूट से 1.6 हो जाएगा, 2.89 बाहर निकल कर 1.7 हो जाएगा। सो हम लोग के ऑप्शन में केवल यहाँ दिया हुआ है 1.6, सो आंसर इज 1.6, राइट। तो ये तरीका था दो इरेशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने का, ठीक है। वैसे भी हम लोगों को समझ में आ रहा है कि रूट सिक्स तो हो नहीं सकता है, 3.61 होता है, कितना होता है 3.61 होता है, तो ये 3 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये तरीका नहीं है सही, क्योंकि इस तरह से क्या निकालते थे हम लोग, रैशनल नंबर्स निकालते थे। अगर ये दोनों रैशनल नंबर होता तो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग ए प्लस बी अपॉन टू करते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सॉरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, इसमें से कौन सा है रैशनल नंबर वो हम लोग को बताना है। तो रूट फाइव इज क्लियरली इरैशनल नंबर, क्योंकि रूट के अंदर क्या है, एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इरैशनल हो जाएगा। अब देखो यहाँ बच्चों 1.0, 1.00, 1.000, 1.4 टाइम्स 0, ये चले जा रहा है, ऐसे ही कंटिन्यूड है। सो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ नंबर, सो दिस इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ये भी क्या है कि रैशनल नंबर है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। पाई तो इरेशनल नंबर को सबको पता है, पाई इज एन इरेशनल नंबर है ना। ये जो चौथा ऑप्शन हम लोग का है वो क्या है, उसमें देखो क्या है, यहाँ 853 एक ब्लॉक है, यहाँ फिर 853 रिपीट हुआ, फिर यहाँ पे 853 रिपीट हुआ, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। जब कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो तो क्या होता है, वो रैशनल नंबर होता है। सो ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए नंबर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इरैशनल, यहाँ पे नंबर एक्स दिया है हम लोगों को, जिसमें क्या है, एक्स स्क्वायर इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है, बट एक्स का पावर 4 इज इरैशनल नंबर, तो उसमें से कौन सा नंबर है वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स का पावर 4 क्या है, रैशनल है। यहाँ पे क्या दिया, फोर्थ रूट दिया है, यहाँ क्यूब रूट दिया है, यहाँ स्क्वायर रूट दिया है, यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया है, ठीक है। सो एक्स का पावर 4 रैशनल किस में हो सकता है, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं क्या बच्चों, इसको लिखते हैं हम लोग 5 का पावर 1/2, ठीक है, 5 का पावर 1/2 को अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है, अगर यहाँ पे x हम लोग का 5 का पावर 1/2 है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 5 का पावर 1/2 का स्क्वायर, सो दिस इज 5 जो कि एक रैशनल नंबर है। सो जो हम लोग का एजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो दिस इज, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या दिया है, इरेशनल दिया है, सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। रूट टू में भी वही हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्यूब रूट है बच्चों यहाँ पे, तो क्यूब रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ तो दिया हुआ 2/1/3, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2/2/3, ठीक है। फिर इसका हम लोग फोर्थ रूट निकालेंगे, अगर मतलब इसका मतलब अगर हम लोग पावर 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दिस इज 2/8/3, बट 2 का पावर 8/3 इज इरेशनल नंबर, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। नाउ अगर यहाँ पे हम लोग देखें, ठीक है, अगर इसको x मानते हैं हम लोग 2 का पावर 1/4, इसको स्क्वायर करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू रूट 2, सो दिस इज इरेशनल नंबर, तो ये करेक्ट है। एक्स स्क्वायर क्या आया हम लोग का, इरेशनल आया। अगर हम लोग यहाँ पे x का पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, सो दिस इज 2 का पावर 1/4, सो दिस इज 2, ठीक है, सो दिस इज रैशनल, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है, ये हम लोग का आंसर होगा। समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। नाउ देख नेक्स्ट क्या है, इफ रूट 7 इज 2.646, ठीक है, 0.375, ठीक है, ऑप्शन 1, इफ रूट 7 इज इक्वल टू 2.646, देन 1/√7 क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, तो 1/√7 को निकालना है अगर हम लोगों को, तो बेटर है कि हम लोग इसको रैशनलाइज कर ले डिनोमिनेटर को, ठीक है, तो यहाँ पे रूट सेवन कर दो, यहाँ पे रूट सेवन कर दो, क्योंकि यहाँ जो नंबर है उसी से हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे,
तो क्या होगा, यहाँ पे होगा रूट सेवन और यहाँ पे हो जाएगा सेवन। तो दिस इज एन रैशनल नंबर, ये क्या है कि रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल अपॉन रैशनल इज इरैशनल, हम लोग को पता है। सो अगर इरैशनल को हम लोग रैशनल से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो ये मिलेगा हम लोग को एक इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। नाउ यहाँ पे देखो 0.375 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि टर्मिनेटिंग है, दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज रूट फोर, ऑप्शन फोर, दिस इज नन ऑफ दिस। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्म में आया एंड दिस फॉर्म इज इरैशनल, यहाँ पे सारा नंबर जो है टर्मिनेटिंग है, सो दिस ऑल आर रैशनल्स, सो ऑप्शन फोर इज करेक्ट, नन ऑफ दिस। ठीक है, समझ में आया, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ दिस इज, अब इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है किसका, दिस इज 3 - √2, इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपली यहाँ पे लिखो इस तरह से, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा हम लोग को अंदर, रूट के अंदर। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लाइक √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 √2। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। अभी किस फॉर्म में आ गया बच्चों, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 2 ये a है इन टू, अगर b कर दें हम लोग यहाँ पे इन टू b कर दें, तो हम लोग को समझ में आ रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज √2 माइनस 1। ठीक है, इसका आंसर होगा √2 माइनस 1। सो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए सॉल्व करने के लिए बोले, तो यहाँ पे इन दोनों को देख के हम लोग समझ सकते हैं कि किस फैक्टर में टूटने वाला है। ठीक है, किस फैक्टर में ये चेंज होने वाला है। सो इस तरह से हम लोग √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट, नाउ ये क्वेश्चन देखो, √2 = 1.414 वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, देन दिस, इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पे दे दिया है एग्जैक्टली, ये दिस इज इरैशनल नंबर, दिस इज इरैशनल नंबर, 1.414 कंटिन्यूड रहेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, बट यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू दिया है, कौन सा वैल्यू दिया है यहाँ पे अप्रॉक्स, तो हम लोग को अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है इसका। ठीक है, इसका निकालना है अप्रॉक्स वैल्यू। सो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग रूट के अंदर √2 - 1 एंड √2 + 1। अब बच्चों रूट के अंदर ही इसको हम लोगों को रैशनलाइज करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, √2 + 1 है, तो हम लोग का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा √2 - 1 एंड √2 - 1। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 - 1 का स्क्वायर अपॉन दिस इज √2² - 1² ठीक है, क्योंकि यहाँ a + b a - b का फॉर्म है। ठीक है, सो दिस इज √2 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1, सो दिस इज √2 - 1 बाहर चला जाएगा। ठीक है, √2 - 1 यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो √2 - 1 अगर बाहर चला जाएगा तो हम लोग वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे √2 का, कितना दिया हुआ वैल्यू, 1.414 - 1 = 0.414 इज द आंसर। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, रैशनलाइज करना था हम लोग रूट के अंदर ही, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो रूट के साथ में कुछ नहीं करना है और रूट देख के डरना भी नहीं है। ठीक है, रूट बहुत ईजी होता है, तो रूट के अंदर कोई भी ऑपरेशन हम लोग आराम से कर सकते हैं। रूट एडिटिज रहेगा, जब यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो ये रूट से बाहर निकल गया आराम से। ठीक है, सो इसको तोड़ना नहीं, इसको ब्रेक नहीं करना है, इसको इस तरह से बाहर निकालना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x = 3 + √8, तो हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है x² + 1/x². ठीक है, तो x तो दिया है हम लोगों को, x दिया है 3 + √8, तो उसको पहले लिख लेंगे हम लोग, और फिर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग x² निकाल लेंगे। x² कैसे निकालेंगे, हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 3 + √8 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। सो दिस बिकम्स 3 का स्क्वायर मतलब 9, √8 का स्क्वायर मतलब 8, +2 × 3 × √8, ओके, सो दिस इज 17 + 6√8, ये आया हम लोग का बच्चों x² का वैल्यू निकल गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/x² का वैल्यू निकाल लेंगे। x² तो हम लोग को पता है, दिस इज 1/17 + 6√8। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, सो इसको हम लोग रैशनलाइज कर लेंगे, और इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 17 - 6√8 होगा। सो मल्टीप्लाई एंड
डिवाइडेड बाय 17 माइनस 6 रूट 8, 17 माइनस 6 रूट 8, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिए किससे, रैशनलाइजिंग फैक्टर से। सो दिस इज 17 माइनस 6 रूट 8 अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला 17 स्क्वायर माइनस 6 रूट 8 का स्क्वायर। सो दिस इज 17 माइनस 6 रूट 8 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 289, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 289 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 इंटू 8, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 36 इंटू 8 मतलब माइनस 288, ठीक है। सो दिस इज 17 माइनस 6 रूट 8 अपॉन 1 इज इक्वल टू 17 माइनस 6 रूट 8। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आया, 17 माइनस 6 रूट 8 आया, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना है, 17 प्लस 6 रूट 8 है। हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को निकालना है एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। सो दोनों को ऐड कर दो, किसको किसको, इसको और इसको हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे। सो दिस इज 17 प्लस 6 रूट 8 प्लस 17 माइनस 6 रूट 8, तो यहाँ से 6 रूट 8, 6 रूट 8 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में है, दिस बिकम्स 34। सो हम लोग का आंसर क्या होगा यहाँ पे, 34 ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन किए हम लोग बच्चों, यहाँ पे MCQs था आज, MCQs किए। अब इस पर कुछ डिटेल्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे अपने अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।